15 तारीख से बिल्कुल इसको ताड़ा लगा करके बंद किया जा रहा है, और यहाँ तक भी सुना है कि इस ज़मीन को किसी व्यक्ति को बेचा जा रहा है। उसका हम पूरा कन्फर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की बातें आ रही हैं। ये हरियाणा के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सभी 36 बिरादरी के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, अपने देश के नागरिक को इकट्ठा होकर न इस बीजेपी सरकार का विरोध करना चाहिए, ताकि मतलब इन विभागों को जो बचे खुसे हैं इनको बचाया जा सके। हमें तो 20 साल हो गए, ओवरेज भी हो गए, अब हमें कहाँ जॉब मिलेगी, तो सरकार को ये सोचना चाहिए। पर अभी 4-5 साल पहले की बात है, हरियाणा दिवस के मौके पे बहुत बड़े एक समारोह में ये भी ऐलान किया गया था, बल्कि खुद जो डायरेक्टर सर थे, वत्स जी थे, उन्होंने ऐलान किया था कि 24 घंटे का हो जाएगा दूरदर्शन। तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि हाँ चलो अब और मेहनत से, दुगनी मेहनत से काम करेंगे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पुण्य स्मृति पर साल 2001 में हिसार दूरदर्शन हरियाणा वासियों को समर्पित किया गया। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों से हरियाणा वासियों को यह सौगात मिली थी, लेकिन अब इस सौगात को हरियाणा से छीना जा रहा है। ये बड़ी मुश्किल से हमें हिसार दूरदर्शन मिला था 2001 में, लेकिन अब इसको इसी 15 जनवरी से चंडीगढ़ में शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ा दुखदाई है प्रदेश के लिए, क्योंकि यहाँ लोक संस्कृति और प्रदेश के लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलता था, ताकि लोग इस संस्कृति से जुड़े रहें। लेकिन 15 तारीख से बिल्कुल इसको ताला लगा करके बंद किया जा रहा है, और यहाँ तक भी सुना है कि इस ज़मीन को किसी व्यक्ति को बेचा जा रहा है। उसका हम पूरा कन्फर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की बातें आ रही हैं। ये हरियाणा के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस दूरदर्शन को किस तरह से बचाया जाए। इसके लिए हमारी संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि जब तक इस दूरदर्शन केंद्र को हम बचा नहीं पाएंगे, इसको नहीं बाहर जाने देंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। हरियाणा की माटी से जुड़े हुए कलाकारों को यहाँ मंच मिला। यहाँ के कार्यक्रमों से हरियाणवी कला और संस्कृति को न केवल प्रोत्साहन मिल रहा था, बल्कि यहाँ काम करने वाले बहुत से कच्चे कर्मचारियों की जिंदगी भी मुस्कुरा रही थी। लेकिन सरकार के एक फरमान से सभी के चेहरे मुरझा गए हैं। मुझे यहाँ 20 साल हो गए काम करते हुए, असाइनमेंट बेस पर यहाँ काम कर रही है, और इतने सालों से मतलब अच्छा चल रहा था। दूरदर्शन अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा है, सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, अच्छे से चल रहा था। पता नहीं क्या मतलब एकदम सरकार ने इसको बंद कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया है यहाँ से चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ के पास तो पंजाब भी है, पंजाब में तो जलंधर दूरदर्शन भी है, पास में पड़ता है। हरियाणा का दर्शन तो यहाँ से जाएगा, अगर हरियाणा का यहाँ से चला जाता है तो दूरदर्शन। तो हमें तो 20 साल हो गए, यहाँ ओवरेज भी हो गया, अब हमें कहाँ जॉब मिलेगी, तो सरकार को ये सोचना चाहिए। यह वही हिसार दूरदर्शन केंद्र है जहां से 24 घंटे के प्रसारण का सपना भी देखा जा रहा था। इस सपने के साथ यहां से जुड़े कलाकारों में उम्मीद जगी थी कि अब नवोदित प्रतिभाओं को और बेहतर अवसर मिलेंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। पिछले 20 साल से हम इधर काम कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि डे वन से हम जुड़े हुए हैं, और जब खुला था हमने इसकी ग्रोथ होते हुए देखी है। डे वन से कैसे हमारे प्रयासों से, हम सबके प्रयासों से इसने ग्रोथ ली है। और अभी 4-5 साल पहले की बात है, हरियाणा दिवस के मौके पे बहुत बड़े एक समारोह में ये भी ऐलान किया गया था, बल्कि खुद जो डायरेक्टर सर थे, वत्स जी थे, उन्होंने ऐलान किया था कि 24 घंटे का हो जाएगा दूरदर्शन। तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि हाँ चलो अब और मेहनत से, दुगनी मेहनत से काम करेंगे। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ, अधिकारियों के मिली भगत से, या यूँ कह लो भी पॉलिटिकल जो भी बैकग्राउंड थे, जिनके पॉलिटिकल एफर्ट्स थे, जो भी उन्होंने लगा के क्या उन्होंने कार्रवाई, क्या गोलमाल किया, सर हमें नहीं पता चला। और मतलब मैं नहीं, मेरे जैसे 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करके भी हाँ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हरियाणा को एक अपना सेंटर मिला, इतना बड़ा सेंटर मिला जो हरियाणा की पहचान है, न सिर्फ यहाँ के कल्चर को बल्कि यहाँ के आसपास की जो भी मतलब मेरे जैसे ही नहीं, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जो टैलेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, और यहाँ की जो कल्चर है उसको दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा कि चंडीगढ़ ले जाने का क्या हुआ है। चंडीगढ़ तो ऑलरेडी एक मतलब बहुत डेवलप्ड एक टाउन है, वहाँ तो ज़रूरत है भी नहीं। और हिसार जैसी जगह, मतलब पहली बात की कोई चीज़ नहीं देना वो बहुत बड़ी बात है, मतलब जो चीज़ हमें दी हुई है, जिसको हमने सहेज के रखा, जिसको इस तरह एकदम से छीन ले जाना बहुत निंदनीय है सर, और हम इसका विरोध करते हैं। चंडीगढ़ जाने के बाद कहीं ना कहीं पंजाब के रंग में रंग जाएगा, बिल्कुल रंग जाएगा, हरियाणा की जो संस्कृति है वो नजर नहीं आएगी, बिल्कुल सर। और मतलब मुझे खुद यूँ लग रहा है पर्सनली, जैसे मेरी अपनी मेहनत पे पानी फिर रहा है। इतने सालों से एक उम्मीद थी कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं, अपने प्रदेश के लिए कुछ कर रहे हैं, आने वाले यूथ के लिए कुछ कर रहे हैं, अब यूँ लग रहा है जैसे एकदम से छीन लिया गया हमसे सब कुछ।
मतलब बेबस फील कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, उम्मीद यही की जाती है कि सभी को बेहतर अवसर मिलेंगे, लेकिन यदि अवसरों को भी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए तो सवाल खड़े ही होते हैं। जिस दूरदर्शन केंद्र हिसार में युवाओं के लिए अवसरों के नए प्रतिमान गढ़े जा सकते थे, उन सभी पर एकदम से विराम लगा देना कहां तक उचित है? देखो, इसमें चाहे वो संगठन हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का विभाग, और जो आज तक जितनी सरकारें आई हैं 1991 के बाद, उनका टारगेट निशाना जो रहे हैं वो सरकारी विभाग रहे हैं। और हमने बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़ी हड़तालें इन विभागों को बचाने के लिए किए, लेकिन जो आम जनता का रुख था वो यही होता था कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन सही मायने में धीरे धीरे, पहले BSNL भी क्या, फिर एयरपोर्ट भी के, बीमा भी क्या, बैंक भी के, रेलवे भी क्या, और अब रोडवेज भी की, बिजली बोर्ड, यानी सरकारी विभागों को तहस नहस करने में ये जब से BJP सरकार आई है तब से तो बिल्कुल नंबर ले रखे हैं, और हर व्यक्ति बाट देख रहा है कि भाई मेरा नंबर कब आएगा। आज जब ये लास्ट में जो दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन हमारे को याद है, हम इसी सेक्टर के वासी हैं, जब चौधरी देवलाल के टाइम में इसका जब उद्घाटन हुआ तो लोगों में इतना बड़ा उत्साह था कि हमारे हिसार में दूरदर्शन केंद्र बना है। लेकिन अभी हमें कुछ दिन पहले यहाँ एक मंत्री अनुराग जो हैं ठाकुर, यहाँ उनका पता लगा कि वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हम देख रहे थे कि भाई ये जो BJP के जितने भी बड़े लीडर हैं इनके जिम्मेदारी लगा रखी है कि भाई सरकारी महकमे में किस महकमे में कितनी ज़मीन है, कितनी मौके की ज़मीन है, उनको एक छोटे छोटे दफ्तरों में बदल दें, और इनकी जो सरकार की जो मानसिकता होनी चाहिए वो बिल्कुल सरकारी विभागों को तहस नहस करने की है, और इसमें आम जनता को मिलके नहीं, सभी 36 बिरादरी के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, अपने देश के नागरिक को इकट्ठा होकर न इस BJP सरकार का विरोध करना चाहिए, ताकि मतलब इन विभागों को जो बचे खुसे हैं इनको बचाया जा सके। आज जो इस विभाग में जो दूरदर्शन में काम करने वाले लोग हैं, हम जब TV देखते हैं तो बड़े अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे को देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ जो कच्चे कर्मचारी हैं, मात्र थोड़ी बहुत उनको तनख्वाह दे के न काम पे रखा हुआ है, उनका भी रोजगार बर्बाद करके इसको चंडीगढ़ जो शिफ्ट करने का फैसला लिया है, ये निंदनीय है, और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके न इस विभाग को, इस दूरदर्शन केंद्र को इस हार में जिस तरीके से चौधरी देवलाल के टाइम सौंपा गया था लोगों को, इसको यहीं रहने दे, यही कहना। हिसार दूरदर्शन केंद्र को 15 जनवरी तक चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा फरमान जारी किया जा चुका है, यानी अब हरियाणा की कला और संस्कृति की झलक जिस माध्यम से घर घर पहुंच रही थी उसे राजधानी चंडीगढ़ से कितना प्रोत्साहन मिलेगा कहना मुश्किल लगता है। जो पंजाब के रंग में रंगा हो वहां से हरियाणा के मिट्टी की सुगंध कितनी मिलेगी हरियाणा के दर्शक स्वयं समझ सकते हैं।